हेलो बच्चों, आई एम योर हिंदी टीचर गरिमा अरोरा। इन लास्ट 2 to 3 videos वी हैव लर्न आवर चैप्टर वर्ण और वर्णमाला। वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। सो टुडे वी विल डू द लेफ्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यंजन कितने होते हैं। वर्णमाला में 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। सो हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। एक बार हम अपने सारे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के सही क्रम में लिखने को, वर्णों को सही क्रम अथवा व्यवस्थित क्रम में लिखने को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती या जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं। वर्णमाला में कुल 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। सो आवर एक्सरसाइज वेलकम इज कम्प्लीटेड टुडे। योर होम असाइनमेंट इज प्रत्येक मात्रा से 2 शब्द लिखो। जब आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रत्येक मात्रा से 2 शब्द अपने मन से लिखना है। और जब आप लोग का ये पूरा प्रिपेयर हो जाता है, आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते हो, मात्रा से शब्द लिख लेते हो, तो प्लीज़ अपनी मम्मा से बोलना कि वो आपको डिक्टेशन बोले और आप लोग उसको मात्रा का प्रयोग करके सही सही लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, ये देखने की कोशिश करिए। ओके, सो थैंक यू।